शांति, आज 28/9/2024, 28 सितंबर 2024, मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, जब तुम नंबर बार सत्व प्रधान बनेंगे, तब ये नेचुरल कैलामिटीज़ व विनाश का फोर्स बढ़ेगा और ये पुरानी दुनिया समाप्त होगी। मीठे मीठे बच्चे, जब तुम नंबर बार सत्व प्रधान बन जाएंगे, तो ये प्राकृतिक आपदाएं और विनाश का फोर्स बढ़ेगा, ये पुरानी दुनिया कलयुगी दुनिया समाप्त हो जाएगी। प्रश्न है, कौन सा प्रसाद करने वाले को शिव बाबा का पूरा वर्षा प्राप्त होता है? उत्तर, पूरा वर्षा लेना है तो पहले शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, अर्थात जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो सब बाबा पर बलिहार करो। बाबा को अपना बच्चा बना लो तो पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। दूसरा, संपूर्ण पवित्र बनो तब पूरा वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पवित्र नहीं तो मोचरा खाकर थोड़ा सा मानी या ना रोटी मिल जाएगी। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्र बनो तब बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा, अगर संपूर्ण पवित्र नहीं तो थोड़ा सा वर्षा मिल जाएगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत की भट्टी में रहना है। आत्मा को पावन बनाने के लिए एकांत में रहना है, एकांत में योग का अभ्यास करना है। एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। दूसरा, बुद्धि में सारा ज्ञान रख कर बंधन मुक्त बन दूसरों की सर्विस करनी है। शिव बाबा से सच्चा सौदा करना है, जैसे बाबा ने सब कुछ गुप्त किया ऐसे गुप्त दान करना है। वरदान है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखने वाले माया जीत भव। माया को वेलकम करने वाले उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। माया के विकारों के वेलकम करने वाले बाबा कहते हैं उसके विकराल रूप को देखकर घबराते नहीं। साक्षी होकर खेल देखने से मजा आता है, क्योंकि माया का बाहर से शेर का रूप है लेकिन उसमें ताकत बिल्ली जितनी भी नहीं। सिर्फ आप घबरा कर उसे बड़ा बना देते हो, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे होगा। लेकिन यही पाठ याद रखो, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। साक्षी होकर खेल देखो तो माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, जो सहनशील है वह किसी के भाव स्वभाव से जलते नहीं। जो सहनशील है वो किसी के भाव स्वभाव में जलते नहीं। व्यर्थ की बातों को एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। एक मिनट के लिए पवित्रता के सागर शिव पिता की याद में स्वयं की मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का दान करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल असहाय दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझे आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है, विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।